हेलो एवरी जेई 2023 एस्पिरेंट, आई एम सचिन कुमार फ्रॉम IIT खड़गपुर। और अभी जो जेई 2023 के एस्पिरेंट्स के सब मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और डाउट है वो ये है कि NTA ने क्या सच में 75% क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कर दिया है। तो मैं अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात करूँ तो उन्होंने चैप्टर 14 पे ये मेंशन किया गया है कि यदि आपको एडमिशन लेना है NITs में, IIITs में और GFTIs में इन CSAB राउंड, तो आपको क्लास 12th में 75% क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात की क्लैरिटी नहीं दी है कि 75% क्राइटेरिया क्या जरूरी है बच्चों के लिए फॉर टेकिंग एडमिशन इन IITs। अगर मैं बात करूँ जेई 2021, 2020 और 2022 की, जब 75% क्राइटेरिया नहीं थी उस वक्त भी ये सेम इंफॉर्मेशन बुलेटिन ब्राउचर पे दी गई थी। तो अभी बहुत बड़ा आशा इस बात की भी है कि 75% क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो मैं जेई 2023 एस्पिरेंट को खास करके ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें ये सोच करके कि 75% क्राइटेरिया लग चुका है, अब मेरी तो 12th बोर्ड में 75% क्राइटेरिया, मतलब 75% है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें, आप अपनी पढ़ाई को ना रोकें। और NTA अगर 75% क्राइटेरिया लगा, अगर उसने लगाने की सोची या फिर उसने लगाया है, तो मैं NTA से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। क्योंकि आज बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स IITs में हैं जिनके 12th बोर्ड में 75% नहीं थे, लेकिन फिर भी आज वो IITs में है। लेकिन यदि आज आप 75% क्राइटेरिया लगा देते हैं तो आज उन बच्चों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगा जो बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे थे इस को लेकर के कि उन्हें अपनी ड्रीम कॉलेज मिलेगी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई ना रोकें। और NTA से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप 75% क्राइटेरिया को लेकर के एक क्लैरिटी और एक क्लियर इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं, और बच्चों के हित में प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन रिलीज करें। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई, पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल भी पढ़ाई ना रोकें प्लीज़।